नमस्ते भैया। ये है बंसी भैया, रोज कॉलेज के बाद इनकी ये मुस्कान मेरा स्वागत करती है। और भैया कैसे हो? बस बढ़िया सर। चलो ठीक है। अरे यार सुट्टा खत्म हो गया यार, अबे देखो कितनी बार बोला यार ये सब चीजें छोड़ दे, तेरी भी हालत कुछ दिनों में ऐसी हो जाएगी। अबे तू तो रहने दे यार। अबे छोड़ यार, ये नहीं सुधरेगा। और वैसे भी ये साला हमेशा दूसरों के पैसों से पीता है। पैसों से याद है राहुल, तू मेरे पैसे कब दे रहा है? अबे दे दूंगा यार। क्या दे दूंगा दे दूंगा यार, एक महीने से तो तू ऐसे ही कर रहा है साले भिखारी। अबे कितना बड़ा चूतिया है यार, पैसे के लिए दोस्त हाथ उठा रहा है। लोग मुझे समझ नहीं पाते या मैं लोगों को समझ नहीं पाता, नहीं पता। मैं लोगों के लिए कंजूस और घमंडी आदमी हूं। क्या मैं ऐसा ही हूं? भैया हाँ भैया, क्या वो बड़े गुमसुम लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार। बताइए तो क्या हुआ भैया? एक बात बताओ, आप ये काम शौक के लिए करते हो कि पैसे के लिए? ये जो पौधे हम हमारे बच्चों की तरह है बिल्कुल, तो इन्हें पालना हमें अपनी जिम्मेदारी की तरह लगती है, और जब ये बड़े होते हैं ना हमारे दिल को बहुत खुशी मिलती है। तो भैया यहाँ घंटों बैठे रहते हैं, इन फूलों से बतिया लेते हैं, कभी कभी आप आ जाते हैं उनसे बतिया लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बहुत भले आदमी लगते हैं। खुशी तो चलो ठीक है भैया, बट पैसे के बिना कैसी खुशी? पैसों की जरूरत किसको नहीं, इतना पैसा तो कमा लेते हैं कि दो वक्त की रोटी खा ले। कोई दिक्कत आए तो फिर ऊपर वाला तो है ही हमारे। भैया हम तो यही मानते हैं कि जिंदगी का मजा इन छोटी छोटी चीजों में ही। हाँ पापा ठीक हूँ। हाँ नाश्ता भी कर लिया है। क्या मम्मा बात करना चाहती है तो? हाँ मम्मा ठीक हूँ, तबीयत भी ठीक है। हाँ हाँ मम्मी अंगूठी भी ठीक है, पता है पुश्तैनी अंगूठी है बहुत पुरानी। हाँ ठीक है मम्मा, बाद में बात करता हूँ, बाय। अभी तो चल यार मैं आता हूँ, कुछ काम है मेरे को। चल ठीक है। उस दिन पहली बार मुझे बंसी भैया नहीं दिखे। मैंने आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछा। बंसी भैया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो अब से काम पे नहीं आ सकते थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब
भैया बहुत खुश लग रहे हो आज। अरे सब छोड़िए भैया, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? हाँ किस हाँ बात के लिए? अरे पहले मुंह मीठा कीजिए, बातें बताते हैं क्या हुआ। आप भी लीजिए। क्या हुआ क्या भैया? कुछ दिनों से हमारी बिटिया बहुत बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर बोल रहे थे उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर बहुत कोशिश किए पैसा मिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन कल तो चमत्कार ही हो गया भैया, पता नहीं किसी महापुरुष ने आके पूरे पैसे दे दिए। अरे भैया आप ही तो कहा करते थे ना ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा भगवान होता है। देखा उसने आपकी मदद कर दी ना आज। पर अफसोस इसी बात का है भैया कि हम उस महापुरुष का शुक्रिया नहीं कर पाए। अरे भैया अंत भला तो सब भला। चलो भैया आते हैं, कुछ काम है। ठीक है ठीक है भैया। अबे यार रोज रोज लैब फ्रेश कर देती है यार पूरा यार। अबे मेरे सेकंड क्विज में भी जीरो आ गया। अब मुझे इंटर में पास होने के लिए 100 में 100 लाना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? सच में। अबे राहुल तेरी अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी? उस दिन मैंने जाना कि लोग मुझे नहीं, मैं लोगों को गलत समझता था। और उस दिन मैंने ये भी जाना कि कभी कभार अपनी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी होती है।